शरद ऋतु स्वच्छ जल के सरोवर कमल के सुगंध शीतलमंद सुगंध वायु चल आगे आगे गांव में पीछे पीछे ग्वाल भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में प्रवेश किया। खिले हुए हैं फूल, एक बन, दो बन, तीन बन, द्वादश बन, ब्रज के 12 बन, कोई कोई कहते हैं 56 बन, वनराज, वनराज माने वनों की पंक्ति है, कतार के कतार बन, भौरे मतवाले होकर गुंजार कर रहे हैं, पक्षी चहक रहे हैं, सरोवर सरिता पर्वत, सरोवर निर्मल सरिता प्रवाहित, पर्वत अचल, मधुपति श्री कृष्ण ने वन में अवगाहन किया और बांसुरी बजाया। देखो इतनी बात, ये योग दर्शन की दृष्टि से इसका नाम धारणा है। धारणा देशबंधस्य चित्तस्य धारणा, अपने मन को एक घेरे में कर दो। आप 5 मिनट बैठो और सोचो कि जिस मोहल्ले में हम बैठे हैं इससे बाहर की बात मन में न आए। फिर अपने घर से बाहर की बात, अपने कमरे से बाहर की बात, अपने शरीर से बाहर की बात ना, और अपने हृदय की वृत्तियों के अतिरिक्त और कुछ ना सोचे। ये क्या हुआ कि देश में अपने मन को समेटते आए, समेटते आए, समेटते आए। ये तो हुआ आत्मदृष्टि से योग, अपने पास पहुंचने का योग। अब भगवत योग देखो, ये भगवान के पास पहुंचने का योग, ये रहा वृंदावन। जमुना जी मंद मंथर गति से बह रहे हैं, श्री गिरिराज से उठाए खड़े हैं, बालुकामय फुले है, लता है, वृक्ष है, गौएं चरने के लिए जा रहे हैं,
ग्वाल बाल कीर्ति का गान कर रहे हैं, श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। कभी दीखते हैं अवगाहन कार कर मधुपति रवगाज चारयंगा, अवगाहन करते हैं माने कभी कभी वन में डुबकी लगा जाते हैं, कभी नहीं दिखते हैं, कभी दिखते हैं, कभी दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं। ये क्या हुआ? ये साधन की प्रणाली है। आपके मन में जो संसार की बातें भरी हुई हैं वे निकल जाएंगे, भरी सराय रही मलकी आप उपस्थित कर जाएगा। आपके मन में भगवान होंगे तो दुनिया में जो दुश्मन की बात है, जो मित्र की बात है, जो मन में मोह है, सबकी निवृत्ति हो जाएगी और परमेश्वर आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। ऐसा कोई कहता है हम अपने मन को निराकार ही में रख लेंगे, तो ये दुनिया का जो आकार दिख रहा है इससे विलक्षण होने के कारण वो भी तो एक आकार हुआ था, निराकार भी एक आकार। आकारे जो निष्क्रांता, ये निराकार शब्द बनता है, जो अनेक आकार बाहर हैं और वो उनके स्पर्श से रहित होकर रहता है, उसका भी एक आकार है। असल में अपने मन को कहीं लगाने के लिए एक आकार मन को देना पड़ता है। पहले मन को वैसा बना लो और फिर उस रूप में मन को पकड़ो तो पकड़ जाएगा, और यदि मन में कोई रूप नहीं डालोगे और मन को पकड़ना चाहोगे तो जैसे आसमान को, आकाश को पकड़ना जैसे अशक्य है, वैसे ही निराकार मन को भी पकड़ना अशक्य है। पहले मन को एक रूप में गढ़ लो और वहां से मन को पकड़ लो, ये मन को पकड़ने की रीति है। तो जैसे दुष्कर्म से छूटने के लिए हम सत्कर्म करते हैं, सत्कर्म माने दुष्कर्म का छूटना, उपासना माने वासना का छूटना, सद्भाव माने दुर्भाव का छूटना, सद्गुण माने दुर्गुण का छूटना। तो भगवान को अपने मन में भर लेना इसका अर्थ हुआ संसार का छूट जाना। अपने मन को संसार से हटाने की एक प्रक्रिया हुई धर्म और योग सत्य प्रधान है, और दृष्टा और ब्रह्मज्ञान ये चित्त प्रधान है, और ये उपासना आनंद प्रधान है। आओ वंशी ध्वनि त्याग रूप, इसमें अपने मन को लगा वंशी बोली, वंशी की आवाज, वैसे मेघत ध्वनि और बंसी ध्वनि इन दोनों को अनाहत नाद्य में श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि और जो बाजे हैं वो कोई तो पिट पिट के बजते हैं, जैसे नगाड़ा है, धौंसा है, तबला है, ढोलक है, मृदंग है, ये तो किसी को लकड़ी से पीटते हैं, किसी को हाथ से पीटते हैं, पिट के बजते हैं, कोई रगड़ने से बजते हैं जैसे सारंगी है, कोई छेड़ने से बजते हैं जैसे सितार है, और कोई किरमिन किरमिन है, झांझ है। लेकिन ये बंसी ध्वनि जो है ये सुशीर वाद्य है, माने ये अपने प्राणों से, अपनी सांसों से बजाई जाती है। तो बंसी वाद्य प्राण वाद्य है, प्राण वाद्य इसको बोलते हैं, और इतनी तन्मयता, इतनी एकाग्रता, मन का ऐसा स्वस्थ और सरस प्रवाह दूसरी किसी भी
ध्वनि में नहीं होता। अनाहत नाद वाले भी ऐसा मानते हैं कि ये श्याम सुंदर भ्रमर गुफा सोहम की बंसी बजाते रहते हैं श्री कृष्ण, सोहम की बंसी बजाते हैं और भ्रमर गुफा से ऊपर। इस संत मत की बात उसको छोड़ देते हैं। एक दिन एक गोपी ने बंसी सुनी, श्री राम विलोदयति, शर्म छूट गई, लुम्पति धैर्यम, धैर्य का लोप हो गया, आर्य भीतिम विनत्ति, गुरुजनों का डर छूट गया, परिलुम्पति चित्तवृत्तिम, चित्तवृत्ति का लोप हो गया। बंसी बंसी ध्वनि में गोपी मग्न हो गई। एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मनः, कृष्णेति नामाक्षरम्, प्रेमोन्माद परम्परामुपनयत्य अन्यस्य वंशी कला। कृष्ण 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 अमृत है। तो जिसके जीव में विषय का स्वाद भर गया है उसको कृष्ण नाम का स्वाद नहीं आता। अद्भुत है, नो जाने जनिता कियत भी अमृत ही कृष्णेति वर्णद्वय। ये दो अक्षर कृष्ण 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 न जाने कितने अमृतों से भरे हुए हैं। तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली गर्भये, कर्ण क्रोध कदंबिनी हृदयते कर्णार्जुने व्यस्पृहाम्। चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम, नो जाने जनिता यद्भिरमृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी। कृष्ण 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 मनोवृत्तियों को बाहर जाने से रोक लेता है, निम्न स्तर में फैलने से रोक लेता है। कृष्ण कंठ और मूर्धा दोनों के बीच में मन को ले जाकर, कौशिक कंठ अकुह विसर्जनिया नाम कंठ और ऋतु रसाना मूर्धा, कृष्ण 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 निम्नगामी स्रोतों को ऊर्ध्वगामी बना देता है। कृष्ण कृष्ण क कंठ में और री स न तीनों मूर्धा में और स्वर्ण का संयोग जीव ब्रह्म का संयोग। कृष्ण 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 नो जाने जनता फिर अमृत ही। मुंह में कृष्ण नाम आ जाए तो इच्छा होती है कि हजारों मुंह हो जाए, कान में कृष्ण नाम आता है तो इच्छा होती है हजारों कान हो जाए, और यदि हृदय में कंठ के नीचे उतरता है कृष्ण नाम तो सब इंद्रियां अपना काम छोड़ करके कृष्ण नाम का ही रसास्वादन करते हैं। कृष्ण 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 एक का तो नाम सुना और मन चला गया। जिस सत्कर्म में यज्ञ में लग जाओ तो बुरे कर्म छूट जाते हैं, ब्रह्मचर्य से रहना पड़े और किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना पड़े, बेईमानी चोरी छूट जाए। सत्कर्म में लगो तो दुष्कर्म छूट जाएगा, सत्कर्म दुष्कर्म का निवर्तक है। ऐसी श्री कृष्ण की वासना अपने हृदय में भर जाए तो दुर्वासनाएं मिट जाती हैं। आज्ञा देने से काम क्रोध लोभ नहीं मिटते हैं। इतैर विमुक्तक कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर् नरः आचरति आत्मन श्रेयस्ततो याति परांगतिम्। आज्ञा देने की, हे काम तुम निकल जाओ, हे क्रोध तुम निकल जाओ, हे लोभ तुम निकल जाओ, तो ऐसे काम क्रोध लोग नहीं जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बैठाते हैं तब काम वासना क्रोध वासना लोभ वासना मोह वासना
ये अपने आप निकल जाती है। अच्छा जी, ये कृष्ण नाम, ये बंसी ध्वनि, बंसी ध्वनि जब हृदय में प्रवेश करती है तब मनुष्य को अन्यत्र रस नहीं आता। बंसी ध्वनि सुनी, जो कृष्ण के नाम का वर्णन आता है, कृष्ण नाम जगते श्रवण सुनोरी आली, बोली रे भवन हों तो बावरी बनी। कृष्ण का नाम जब से हमने अपने कानों में सुना, घर भूल गया, मैं बावरी हो गई, बावरी तो संसार का विस्मरण होता है। योग से विक्षेप मिटता, मन एकाग्र करो विक्षेप मिटता, ज्ञान से अज्ञान मिटता है। तो ये जो भगवत विषयक रसास्वादन है, इस रसास्वादन से विषय रसास्वादन की जो आवश्यकता है वो मिट जाती है, ये इसकी विशेषता है। इससे बढ़ करके संसार से छुड़ाने वाली और कोई वस्तु नहीं। भगवान ने बजाई तद्व्रजस्त्रिय आश्रुत्य वेणु गीतम स्मरोदयम् काश्चित् परोक्षम् कृष्णस्य स्वसखी विद्योन्वर्णयन् वर्णयितुमारब्धाः स्मरन्त्यः कृष्णचेष्टितम् नाशकं स्मरवेगेन विक्षिप्त मनसो नृप। अब गोपियों के कान में ये ध्वनि पड़ी, ब्रजस्त्रियः आश्रुत्य, सुना तो सबने, बंसी ध्वनि का प्रभाव तो लता पर भी पड़ता है। लता असमय पुष्पित हो जाती है, वृक्ष फल से भरपूर हो जाते हैं, धरती को रोमांच हो जाता है, नदियों का बहना स्थगित हो जाता है। ये बंसी समग्र प्रकृति को, ये बंसी ध्वनि समग्र आकाश को, समग्र वायु को, समग्र तेज को, समग्र जल को और समग्र पृथ्वी को अपनी ध्वनि से भर देते हैं, क्योंकि शब्द सबसे सूक्ष्म है। हसिया कौड़ा से दिल नहीं बदलता है, शब्द से दिल बदलता है। हृदय में तत्काल परिवर्तन करने वाला है कुछ तो शब्द है, और अच्छा बुरा शब्द हो तो राग द्वेष भी पैदा करता है, परंतु बंसी ध्वनि को शांत रस देती है अपने हृदय में। बंसी बजी लेकिन गोपियों को शांति नहीं मिली। धर्मानुष्ठान से एक प्रकार का अंत प्रसाद होता है, और योगाभ्यास से एक प्रकार की शांति होती है, ज्ञान से निर्भयता प्राप्त होती है, लेकिन बंसी ध्वनि एक प्यास उदय करती है, अद्भुत प्यास और ईश्वर विषयक प्यास। जब तक भगवान की प्राप्ति के लिए प्यास का उदय नहीं होगा, पिपासा नहीं होगी, तब तक आप विषयों के रस की ओर आकृष्ट होते हैं। स्मरोदय वेणुगीतम स्मरोदय, गोपियों के हृदय में काम का उदय, ये काम तो पहले से ही सता रहा है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, अब भगवान मिले तो उन्होंने भी एक काम ही दिया। ये अद्भुत काम है, ईश्वर विषयक, ईश्वर के लिए यदि हमारे हृदय में कामना का उदय हो तो संसार की कामना शांत हो जाती है। ये बंसी ध्वनि ईश्वर के लिए हमारे हृदय में कामना देती है,
तो काम भी एक ईश्वरीय वस्तु है, वो गाली देने की चीज नहीं है। स्वयं श्री कृष्ण ने ही कह दिया गीता में कि काम में ही धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि प्रकर्षभ। धर्म के विरुद्ध जो नहीं है, जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो काम में है। काम तो भगवान का रूप, उपनिषदों में वर्णन आता है सो काम यत बहुस्याम प्रजारेय तो एकाकी ना रमत। ईश्वर को अकेले अच्छा नहीं लगा, अकेले रहते 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 बोर हो गए। एकाकी ना रमत, एकाकी रमण नहीं हुआ, ततो द्वितीयम ऐच्छत, तब ईश्वर ने दूसरे की इच्छा की। पतिश्च पत्नी चा भवताम, उसके बाद पति पत्नी के रूप में भगवान हो गए, ब्याह कर लिया, गृहस्थ हो गए, ब्याह कर लिया। परमेश्वर को अकेले अच्छा नहीं लगा, तब उन्होंने अपने को ही दो विभाग करके, एक विभाग से स्त्री हुए, एक विभाग से पुरुष हुए, और परस्पर प्रेम करने लगे। तो सृष्टि के प्रारंभ में काम विवाह का जब मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे मंत्र पढ़े जाते हैं, को दात कस्मा अदात, कामोदात कामायादात, कामोदाता काम प्रतिगृहीता कामय दत्ते, ऐसे विवाह के मंत्र में पढ़ा जाता है। किसने दिया, किसने लिया, काम ने दिया, काम ने लिया, काम ही दाता है, काम ही प्रतिग्रहीता है, काम ही तत्ते, काम की महिमा बड़ी भारी। परंतु ईश्वर के लिए जो काम होता है वो संसार के काम को नष्ट करता है। प्रेमैव लोभरामाणां काम इत्यगमत्प्रथा इत्युद्धवादयोप्येनम् वांछन्ति भगवत्प्रियाः। भगवान के लिए काम, ब्रजवासियों का काम, प्रेमैव गोपरामाणां, गोपियों के प्रेम को ही काम कहते हैं। क्यों बोले, यों कि जो क्रिया जो चेष्टा अपने सुख के लिए होती है, स्वार्थ के लिए होती है, भोग के लिए होती है, उसको कहते हैं काम। और जो क्रिया जो चेष्टा अपने प्रियतम को सुख पहुंचाने के लिए होती है, उसको कहते हैं प्रेम। बार बराबर अंतर है। आत्म सुख भोग की इच्छा से जो कुछ किया और सोचा जाता है उसका नाम काम है, और अपने परम प्रियतम प्राण प्रेष्ठ को सुख पहुंचाने के लिए जो कुछ किया जाता है उसका नाम प्रेम होता है। किसी से देखो, जब गोपियां ढूंढती हैं भगवान को अंतर्धान होने पर, तो तम प्रविष्टम आलक्ष्य ततो निवावृतो, जब देखा कि कृष्ण और अंधकार में जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि उनको कहीं कांटा लग जाए, कोई कुछ लग जाए, कहीं फंस जाए, उनको बड़ी तकलीफ होगी, इसलिए उन्हें ढूंढना बंद कर दिया। हम भूल भूल के मर जाएंगे, परंतु उनको अंधकार में भागने के लिए कारण नहीं बनेंगे। यत्ते सुजात चरणां गुरुहं स्तनेषु भीता शनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनागमी मटसि। हम तुम्हारे चरणारविंद को प्यारे जब अपने वक्षस्थल पर रखते हैं तो डरते डरते रखते हैं। क्यों, हम ये जानते हैं तुम्हारे चरण को हम अपने वक्षस्थल पर रखेंगे
तो उनके स्पर्श से तुमको बहुत सुख मिलेगा। तो तुम्हें सुख मिलेगा इसके लिए तो रखना चाहती हैं, परंतु डर लगता है कि हमारा कठोर वक्षस्थल कहीं तुम्हारे कोमल चरणों को कष्ट न पहुंच जाए, इसलिए डरते डरते रहते हैं। तो काम होता है अपने सुख के लिए, और प्रेम होता है अपने प्रियतम को सुख पहुंचाने के लिए। इसको प्रेम शास्त्र में महाभाव बोलते हैं, जिसका नाम है महाभाव। अपने प्रियतम को सुख मिले चाहे हमारा कुछ भी हो। तो काम के संबंध में ऐसा वर्णन मिलता है कि जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ काम का प्रवेश ही नहीं होता। गोस्वामी जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीताराम के विवाह का वर्णन किया है। वहाँ ऐसा वर्णन किया है कि श्री राम तन की परछाई, जुगल सरकार के शरीर की परछाई, जगमगाती मणि खंभन माही, मणि स्तंभ में, मणियों के खंभे में उनकी परछाई पड़ रही है। तो जब वो भावर देने के लिए घूमते हैं तो मन मदन रति धरि बहु रूपा, देखन राम विवाह अनुपा, दरस लालसा सकुचन थोरी, प्रगटन जुरहि बहोरि बहोरि। वो रति और काम, परछाई क्या है, रति और काम। जब सीताराम सामने आते हैं तब वो छिप जाते हैं, जब चलते हैं तब वो प्रकट हो जाते हैं। माने सीताराम के प्रेम में रति और काम की गुंजाइश नहीं है। सीताराम के दरस लालसा सकुचन थोरी, सीताराम के प्रेम में काम का कोई स्थान नहीं है। राम जी का तो मन ही अपने पास नहीं रहता, सीता जी के पास रहता है तो काम कहां से हो। तत्व प्रेम कर मम अनुतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तुम पानी। इसका नाम प्रीति रस है। यदि मन अपने पास होवे तो अपने सुख के लिए भी कोई चेष्टा करे। जब मन अपने पास ही नहीं है, तुम्हारे पास है। और सीता जी का मन रामचंद्र के पास है, रामचंद्र का मन सीता जी के पास है। गिरा अर्थ जल की चिसम, कहियत भिन्न न भिन्न, दोनों अलग अलग है ही नहीं। जो सीता है सो राम है, जो राम है सो सीता है। जो अलग होता है उसके लिए काम होता है, जो एक होता है उसके लिए काम नहीं होता। अब राधा कृष्ण के प्रेम के संबंध में एक छोटी सी कथा सुनो। वर्णन आता है, आप लोगों ने सुना ही होगा, जरूर सुना होगा। बरसाने में एक सांकरी गई, सांकरी खोर बोलते हैं उसको, सांकरी खोर है। अभी छोटी छोटी दो पहाड़ियां हैं और बीच में एक ऐसी गली है जिसमें से एक आदमी उसी से निकल सकता है। थोड़ी दूर तक है, एक एक आदमी जाते हैं। कई जगह ऐसी गुफाएं बनी होती हैं जहां अकेले जाना पड़ता है पहाड़ों के बीच में। एक दिन उस सांकरी खोर में, सांकरी खोर में कांकरी ग्रह हुए होते हैं। खोर माने गली, खोर माने बीच के। एक ओर से आए कृष्ण और एक ओर से आए राधा। दोनों ने उस गली में, सांकरी खोर में प्रवेश किया। दूसरा कोई आगे पीछे नहीं, केवल दो ही थे वो। एकांत मिल गया और श्री कृष्ण देखते हैं राधा की ओर, राधा देखते हैं कृष्ण की ओर। मन में कृष्ण के आया की प्रिया जी का स्पर्श करना, तो तुरंत दूसरे मन ने कहा कि यदि तुम इनको छुओगे, स्पर्श करोगे
तो इनका कोमल शरीर और तुम्हारी कठोर उंगलियां इनको चोट लग जाएगी। बोले अच्छा छुएंगे नहीं देखेंगे। अशोकदास जी ने वर्णन किया है दीठिहू को भार न संहार सकती है। प्रिया जी इतनी सुकुमार हैं कि वो आंख की भार दृष्टि का बोझ भी नहीं सह सकती हैं। सूधे पाए न बरत है शोभा ही के भार, शोभा के भार से ही सूधे पांव नहीं बरते, शोभा भी उनके लिए भार है। भार गढ़ी है कली गुलाब की पर है घात खरौच, गुलाब की कली गड़ेगी शरीर में और खरौच पड़ जाएगी। इतना सुकुमार इतना सुकुमार दीठिहू को भार न संभाल सकते। सांख्य में वर्णन है प्रकृते सुकुमार परम नकिंचिदस्ति इति मे मत्कृते। प्रकृति से सुकुमार और कोई भी वस्तु नहीं है। जहाँ उसको पता लगा कि पुरुष ने मुझे देख लिया या दृष्टास्मीति पुनर् न दृष्टि पत्मोपहीति पुरुषस्य, जब वो देखती है कि पुरुष ने हमको देख लिया तो शर्मा जाती है, सकुचा जाती है, अपने में गढ़ जाती है, दृष्टि का भार भी नहीं सह सकती प्रकृति। और श्री राधा रानी साक्षात आह्लादिनी वो दृष्टि का भार कैसे सहेंगी। तो श्याम सुंदर ने अपनी आंख बंद कर दी, आमने सामने खड़े आंख बंद। फिर मन में आया कि अच्छा हाथ से तो इनका स्पर्श नहीं किया, अब आओ मन के हाथ से इनको छुए, मन ही मन आलिंगन करें, मन ही मन स्पर्श करें। तो उसका भी वर्णन किया कि मनहू के करण सौ छुवत दरत, मन के हाथों से भी छूने में श्याम सुंदर को डर लगता है कि कहीं हमारे मन का हाथ और मन की राधा, अपना मन ही राधा बना अपना मन ही कृष्ण बना, ये ध्यान की महिमा। आप अपने मन को दो भागों में बांट देंगे और देखिए प्रेम का उल्लास, देखिए प्रेम की तरंग, प्रेम की मौत। आपके मन में एक ओर राधा है और एक ओर कृष्ण है। मन के हाथों से भी स्पर्श करने में डर लगता है। तब दूर ही से बार बार पायन पर लीला में श्री ध्रुवदास जी महाराज ने ऐसे वर्णन किया। इस परिप्रेक्ष्य इस परिस्थिति में आप काम पर विचार कीजिए। काम कहाँ है? काम काम का उपद्रव, काम का उपद्रव, वो नखक्षर, वो दंतक्षर, वो अमुख, वो तमुख, चमक तमक हाँसी सिसक, वो कहाँ है? तो गोपियों का नाम लेकर के जो लोग काम का वर्णन करते हैं, उच्छृंखल काम, उद्दंड काम, वो तो गोपी के स्वरूप को जानते ही नहीं है। गोपी और कृष्ण के प्रेम में काम का प्रवेश नहीं है। तो प्रेम आता है, गोपियों ने अपने प्रेम का ही नाम काम रख दिया। तो भाई किसी ने पूछा कि आप तो बहुत प्रेम करते हैं श्री कृष्ण से, उन्होंने कहा रामराज यहाँ प्रेम का क्या काम, क्या काम, हमारे हृदय में तो प्रेम की गंध भी नहीं है। ये एक अद्भुत दर्शन है। यदि किसी ज्ञानवान को, ज्ञानी पुरुष को यह अनुभव होता है कि मैं ज्ञानी हूँ और बाकी सब अज्ञानी है, तो वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञान मान जहाँ एक और नानी, ज्ञान में ज्ञानीपने का अभिमान नहीं होता है। समाधि में अहम समाधिमान इत्याकारक अभिमान नहीं होता है। तो विवेक ख्याति होकर के अहंकार को कहाँ छूट गया, तो समाधि में भी अहम भाव नहीं है और ज्ञान में भी अहम भाव नहीं है, तो वही सत, वही चित्त,
तो आनंद भी है, उसमें भी मैं प्रेमी हूँ, ये अभिमान बिल्कुल नहीं होता है कि मैं प्रेमी हूँ। अभिमान आ गया तो प्रेम किरकिरा हो गया हो, मैं प्रेमी हूँ ये अभिमान आते ही प्रेम किरकिरा हो जाता है। तब न छोड़िया न भी सखी मम प्रेम गंधो मुकुंदे क्रंदंती माम निज सुभगता श्यापनाय प्रतीहि। तब रोते थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है, प्रेम की गंध भी नहीं है हृदय में। एक इसका रहस्य क्या है कि यदि आप समझोगे कि मेरे हृदय में तो बहुत प्रेम है परंतु सामने वाले के हृदय में बिल्कुल प्रेम नहीं है, तो आपका प्रेम घटने लगेगा, कम हो जाएगा। और यदि आप देखोगे कि सामने वाला तो हमसे बहुत प्रेम करता है लेकिन हमारे हृदय में प्रेम कम है, तो आपका प्रेम बढ़ेगा। प्रेम की कमी का अनुभव करो तो प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम की अधिकता का अनुभव करो तो प्रेम घटेगा। तो श्री राधा रानी के हृदय में नेक का भी प्रेम का अभिमान, प्रेम की गंध का भी अभिमान नहीं है। न क्षोरिया न भी सखी मम प्रेम गंधो मुकुंदे क्रंदंती माम निज सुभगता शापनाय प्रतीहि। जो मैं क्रंदन करती हूँ, रोती चिल्लाती हूँ, कलपती हूँ, वो तो अपने सौभाग्य के स्थापन के लिए, नहीं तो प्रियतम के दर्शन के बिना। प्राण कीटान विभर्मी। बिना दर्शन के मैं जी रही हूँ, बिना मिलन के मैं जी रही हूँ, और अपने प्राण रूपी कीड़ों को पाल रही हूँ, ये कोई प्रेम की पहचान है? तो प्रेम में गोपियों से किसी ने पूछा, तुम प्रेम करती हो? बोले नहीं नहीं, हम प्रेम और प्रेम की बात नहीं जानते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि हमारे मन में काम है, सीधे हमारे मन में तो श्री कृष्ण से काम है। कामी शुद्ध हो तो काम शुद्ध, काम शुद्ध हो तो कामी और काम में दोनों शुद्ध हो जाते हैं। काम में शुद्ध हो, प्रेमी शुद्ध है तो उसका प्रेम शुद्ध होगा, प्रियतम शुद्ध होगा। प्रेम शुद्ध होगा तो प्रेमी शुद्ध होगा, प्रियतम शुद्ध होगा, और प्रियतम शुद्ध होगा तो प्रेम और प्रेमी दोनों शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उनको जाके उन्हीं से तो मिलना है ना। जैसे वे हैं वैसा प्रेम होगा। तो इसी से भक्त लोग जो हैं वो भगवान के प्रेम को, भगवान के प्रेम को प्रमेय का बल मानते हैं, विषय महिमा मानते हैं। श्रीधर स्वामी ने विषय महिमा शब्द का प्रयोग किया है, विषय महिमा माने गोपियों के प्रेम के जो विषय हैं वो साक्षात भगवान है। इसलिए गोपियों का प्रेम शुद्ध न हो तो भी, गोपियां शुद्ध न हो तो भी, भले जातिहीन होए, आचारहीन होए, ज्ञानहीन होए, लेकिन उनका प्रेम तो भगवान से है ना। तो चूंकि उनके प्रियतम, उनके प्रेम के प्रमेय, उनके प्रेम के विषय परम पावन है, इसलिए गोपियां भी परम पावन हो जाती हैं। इसको श्रीधर स्वामी ने विषय की महिमा और वल्लभाचार्य जी ने प्रमेय का, प्रमेय का बल, प्रमेय माने पुष्टि, ये पुष्टि का बल है। भगवान ही अपने प्रेमी को पवित्र बना देते हैं। तो ये जो काम का उदय है चित्त में, ये साधारण काम का उदय नहीं है, असाधारण काम है। ऐसा काम है जहां प्रियतम के अंग का संग ही है। ईश्वर से मिलने के लिए हृदय में कामना का उदय हुआ, हृदय का मुंह उसने परमेश्वर की ओर कर दिया, और परमेश्वर के की ओर मुंह होते ही काम मिट गया, प्रेम का उदय हो गया। ये ऐसा काम है,
इसलिए श्री कृष्ण स्वयं ही काम का संचार करते हैं। रास पंचाध्याय के प्रारंभ में है, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, और वेणु गीत के प्रारंभ में है, तद ब्रजत्रिय आश्रुत्य स्मरंत्य कृष्ण चेष्टितम नातकन स्मर वेगेन। स्मरण हुआ और स्मर का वेग हुआ, वो तो स्मरणम स्मरह, स्मरण को ही स्मर बोलते हैं। अपने प्रियतम का जो स्मरण है, स्मृति, स्मृतिर गृहीतक ग्राहिका, जो कहीं देखा है, जिसके बारे में कहीं सुना है, और जिसका नाम जानते हैं, जिसका गुण जानते हैं, उसके प्रति हृदय का आकर्षण होना। प्रमाणम अज्ञात ज्ञापकम स्मृति गृहीत ग्राहिका, स्मृति वो होती है जो पहले से देखी सुनी चीज को हृदय में लाकर उपस्थित करती है, और प्रमाण वो होता है जो किसी दूसरी इंद्रिय से दूसरे प्रकार से न देखी हुई जो चीज है, अज्ञात है, उसका ज्ञान करा देता है। प्रमाण दूसरी चीज है और स्मृति दूसरी चीज है, इसी से स्मृति आए, पहले भगवान की स्मृति हो गई। इसको पूर्व राग बोलते हैं, और काव्य की भाषा में इसका नाम है पूर्व राग। पूर्व राग माने अभी मिलन तो हुआ नहीं, ये विरह दो तरह का होता है, एक अयोग और एक वियोग। विरह के दो भेद होते हैं, एक अयोग और एक वियोग। अयोग क्या है, अभी मिले ही नहीं है, उनका गुण जानते हैं, उनका नाम जानते हैं, उनका रूप सुनते हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन सुनते हैं, परंतु मिलना नहीं हुआ है, इसको कहते हैं अयोग। है तो ये विरह, परंतु अयोगात्मक विरह है। और एक होता है मिल लिया, हंस लिया, खेल लिया, बोल लिया, रम लिया, और उसके बाद विरह हुआ, तो उस विरह को बोलते हैं वियोग। विरह के दो भेद होते हैं, एक अयोग और एक वियोग। तो गोपियों को अभी वियोग नहीं हुआ है, अभी तो अयोग है। अयोग है माने पूर्व राग है, मिलन से पूर्व उनका नाम सुनकर, उनका चित्र देखकर, उनकी वंशी ध्वनि सुनकर के का उनका हृदय श्री कृष्ण पर मुग्ध हो गया है। स्मरन्त्य कृष्ण चेष्टितम, कृष्ण की चेष्टा और कृष्ण चेष्टा का स्मरण सूक्ष्म है। ये चरित जो होता है वो तो सार्वजनिक होता है, और लीला होती है लोगों के मन को खींचने के लिए। लीला में भी जो चेष्टा होती है, एक लीला तो वो है जो सखा के कंधे पर हाथ रख रहे हैं और कमल घुमा रहे हैं और नाच रहे हैं, एक लीला होती है। और चेष्टा तो अंगनिष्ठ होती है, और मुस्कर होठों में मुस्कान है, ये चेष्टा है। आंखों में प्यार प्रिय प्यार भरी चितवन है, वो भाव का प्राकट है, भावों का हिलना है, चेष्टा। कृष्ण चेष्टिता, गोपियां कृष्ण का चरित्र नहीं देखती हैं कि वो कैसे हमारे घर में माखन चुराने के लिए आ जाते हैं, ये भी प्रेम की छेड़छाड़ है, इसको शास्त्री लोग नहीं जानते, ये प्रेमियों का विषय है, प्रेमियों का विषय छेड़छाड़ करने के लिए। लेकिन भौं कैसे चलती है उनकी, बांसुरी बजाते समय उनके होठों में थिरकत कैसी होती है, बंसी गाती है और उनके होठ नाचते हैं, ये उस समय होठ कैसे हिलते हैं, उस समय टुड्डी कैसे हिलती है, उस समय आँख कैसे हिलती है, ये चेष्टा हो गोपियों के हृदय में, चेष्टा का उदय हो गया। स्मरन्त्य कृष्ण चेष्टिता, स्मरन्त्य स्मरवत आचरन्त्य,
इसको नाम धातु बोलते हैं, स्मरंत्यः स्मरन्ति, स्वयं स्मर रूप हो गए, काम रूप हो गए, उनके रोम रोम में कृष्ण के सिवाय और कुछ नहीं रहा, उनके मन में वो स्मर रूप हो गए, काम रूप हो गए, काम रूप हो गए, कृष्ण के लिए स्मरण, कृष्ण के लिए काम, गोपी का अंग अंग, गोपी के अंग अंग की एक एक तरंग, गोपियों का रोम रोम, श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए व्याकुल हो गया। नाशकं स्मर वेगेनो विक्षिप्त मनसो नृपो तद् ब्रजस्त्रिय आश्रुत्य वेणुगीतं स्मरोदयम् काश्चित् परोक्षम् तावर्णयितुमारब्धाः स्मरन्त्य कृष्णचेष्टितम् नाशकं स्मर वेगेनो विक्षिप्त मनसो नृप तद् ब्रजस्त्रिय आश्रुत वेणुगीतम्। वेणु के द्वारा श्री कृष्ण गान कर रहे हैं और गोपियों ने श्रवण किया, ये कोई और नहीं है, साधारण नहीं है, साधारण असाधारण दोनों तरह के गोपी होते हैं, मुग्धा भी होते हैं, नारायण मुग्धा भी होते हैं और प्रौढ़ा भी होते हैं, कुमारी भी होते हैं, नवोढ़ा भी होती हैं। इसमें श्री कृष्ण से प्रेम करने में अवस्था का बंधन नहीं, बालिका भी उनसे प्रेम कर सकती है, युवती भी कर सकती है, वृद्धा भी कर सकती है, विवाहिता भी कर सकती है, विधवा भी कर सकती है, क्यों कि वो तो सबके आत्मा है। इसी से हाथ चरण के बहुत उदाहरण दिए हैं श्री रूप गोस्वामी जी ने, तुम भी लंबी कुचासी दर दर बधु दर दुर बधु विस्पर दिन आता है, देखो मेढक किसी तो आंख है, है? छाती पर तुम भी लटक रही है और ये देखो लठिया लेके देखती हुई तो जा रही है, ये घुटनों पर काजल लगा के बुढ़िया कहाँ जा रही है और कृष्ण से आंख लड़ाने जा रही है, ये है ना, ये बुढ़िया कहाँ जा रही है, कृष्ण से आंख लड़ाने जा रही है। लोग तो श्री कृष्ण से प्रेम करने में कोई युवा अवस्था का बंधन नहीं है, मुग्धा अवस्था का बंधन नहीं है, वृद्धावस्था का बंधन नहीं है और जाति पात का बंधन नहीं है। पूर्णा पुलिंद्य पुरुगाय पदाब्जराग श्री कुमकुमेन दैतास्तन मंडितेन भीले ने गांव की भीले जंगली भीले पहाड़ी भीले वो श्री कृष्ण के चरणों का कुमकुम जहाँ तिलकों में लगा हुआ है उसको उठा करके अपनी आंखों से लगाती हैं, मुख पर लगाती हैं, छाती पर लगाती हैं और जहुस तदाधीन उनके मन में जो श्री कृष्ण के प्रति काम है उसको शांत करती हैं। तो श्री कृष्ण से प्रेम करने में कोई जात पात की कोई अवस्था की तो बाधा है ही नहीं। तो ब्रज की साधारण स्त्रियां भी और असाधारण भी, तो पद्म पुराण में तो ऐसे वर्णन आया है, एक दिन दिखाया नारद जी को दिखाया, वो क्या दिखाया कि कहीं गायत्री जी तपस्या कर रही हैं, तपस्विनी का वेश धारण करके और श्री कृष्ण मंत्र का जप कर रही हैं, कहीं ब्रह्म विद्या जी तपस्विनी हो करके और गिरुआ वस्त्र पहन के सरोवर के तट पर गुफा में बैठ करके श्री कृष्ण मंत्र का जप कर रही हैं और वेद की एक एक ऋचाएं मूर्तिमती होकर सब की सब एकांत में बैठ बैठ के श्री कृष्ण की साधना कर रहे हैं। यद्यपि इन ऋचाओं का विवाह हुआ है किनसे, देवताओं से, और कोई इंद्र की ऋचा है, कोई अग्नि की ऋचा है, कोई वरुण की ऋचा है और भिन्न भिन्न देवताओं का प्रतिपादन करते हैं, परंतु उनके मन में भिन्न भिन्न नाम होने पर भी वस्तु एक है, सब श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो वो वेद की ऋचाएं ब्रह्म विद्या जी गायत्री जी ये सब की सब ब्रज में गोपी होकर के आती हैं, बड़े बड़े देवता बड़े बड़े देवी और शंकर आदि देवता
बड़ी बड़ी देवियाँ, ये सब की सब और श्री कृष्ण से प्यार करने के लिए ब्रज में आई, परंतु ये नहीं कि देवी देवता ही कृष्ण से प्रेम करें। ब्रज की जो भीलने हैं, वनवासिनी हैं, पर्वतवासिनी हैं, तो वो भी श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो उन्हीं के कान में बंसी ध्वनि पड़ी। बंसी ध्वनि सबके कान में पड़ती है, जो श्री कृष्ण प्रेम के लिए उन्मुख होता है, हरिणी के कान में भी पड़ती है और गाय के कान में भी पड़ती है और वृक्ष पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, सरोवर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिन पर श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी है उन पर नाथकंठ काश्चित् परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीयोर्ववर्णयन्। अब कृष्ण तो सामने है नहीं, वो तो वन में गए गोचारण के लिए और गोपियां श्री कृष्ण का वर्णन कर रही हैं, श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि का वर्णन कर रही हैं। वर्णन प्रत्यक्ष कृष्ण का नहीं कर रही हैं, परोक्ष कृष्ण का कर रही हैं और उनकी बंसी ध्वनि का वर्णन कर रही हैं। पूर्व राग में ये बात पहले आसक्ति सद्गुणाख्याने प्रीति सद्वसति स्थले इत्यादयो भावास्युः जात भावांकुरे जने। जब भाव का अंकुर उदय होता है तब जब देखो किसी की पांव की आवाज सुनाई पड़े तो ख्याल होता है कहीं वही तो नहीं आ रहे हैं। दो जने आपस में बातचीत करने लगे तो उन्हीं की बात करने लगे, क्योंकि मन में जो भरा है वही वाणी में निकलता है। और अयोग दशा में जबकि मिलन नहीं हुआ है तो सिवाय श्री कृष्ण की चर्चा के, ये हम लोगों के लिए ये बात है कि भाई श्री कृष्ण से मिलना तो हुआ नहीं, अब श्री कृष्ण से प्रेम कैसे बढ़े। तो परस्पर कथन कथयंतः परस्परम, बोधयंतः परस्परम, कथयंतश्च माम नित्यम, तुष्यन्ति च रमन्ति च। आपस में कृष्ण की चर्चा करो। तो एक गोपी के भाव से जिस दूसरी गोपी का भाव मिलता है, स्वसखी व्या समान शील व्यसना, जो सखी है जिनका शील स्वभाव समान है, जिनका प्रेम कृष्ण से है, वे चार दीवानी आपस में बैठ जाती हैं और श्री कृष्ण की चर्चा करने लगती हैं। उसी श्री कृष्ण चर्चा का नाम वेणुगीत है। वेणुगीत